हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है नए एक और वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आपका चैनल बहुत पुराना हो चुका है, लगभग एक साल से आपका अपना चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन एक दिन या एक वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया है, 10-15 व्यूज़ या 30-40-50 व्यूज़ आ रहा है और उसके बाद आपका वीडियो जो है डाउन हो रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपका चैनल पर क्या काम करना ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसे बहुत लोग होता है कि पहली बार चैनल ओपन किया है और उसके बाद वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है, और उसके बाद दोस्तों बहुत लोग ऐसे होता है कि टेंशन करना शुरू किया है कि मेरा वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपका चैनल पर क्या खास सेटिंग बाकी है, यह आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये नोट कीजिए, सबसे पहले आपको ये काम करना होता है। जब तक आप ये काम नहीं किया है, तब तक आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, तब तक आपका वीडियो पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। जो कि दोस्तों, आपका चैनल की जो नीश है, ये नीश आपको सबसे पहले सेट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पर यूट्यूब रिलेटेड अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, अचानक से मैंने कुकिंग रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो लोग तो ज़रूर हंसेंगे, क्योंकि मुझे ये कहेंगे लोग कि ये लोग शायद पागल हो चुका है, यूट्यूब रिलेटेड वीडियो अपलोड करते जा रहा है और अचानक से कुकिंग रिलेटेड अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह होता है कि अगर मान के चलिए आप बाज़ार में मछली ख़रीदने के लिए गया है और अचानक आपने देखा है कि सोने की दुकान पर मछली बिक रहा है और आपने यहाँ से एक मछली ख़रीदा है, तो दोस्तों नेक्स्ट दिन जब आप बाज़ार जाएंगे तो यहाँ पर तो सोने की दुकान पर मछली नहीं मिलता है, तो उसके बाद दोस्तों आप क्या कहेंगे कि ये तो गलत जगह पर मैंने आ गया है, जैसे कि कल यहाँ से आप मछली ख़रीदा है और आज यहाँ पर मछली नहीं है। तो इस तरह दोस्तों, यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को आप एक सिग्नल भेजना होता है, तो सिग्नल कैसे आप भेजोगे? दोस्तों, यहाँ पर कोई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यूट्यूब का जो सेटिंग है, सेटिंग के अंदर एक सेटिंग होता है कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर यूट्यूब को सिग्नल आपको भेजना होता है कि यूट्यूब को यह कहना होता है कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो यूट्यूब आपका जो वीडियो है, किस टॉपिक पर आप वीडियो अपलोड करने वाला है, इसी हिसाब से ऑडियंस को यूट्यूब आपका वीडियो सामने लेकर जाए। उसके बाद दोस्तों, आपका जो वीडियो है, ऑडियंस देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यूट्यूब जो है, यूट्यूब सही रास्ता पर आपका वीडियो मतलब भेजेंगे। तो दोस्तों, इसलिए कैटेगरी जो है, ये आपको सबसे पहले नीश जो है सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी। और दोस्तों, ऐसे में और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि दोस्तों चैनल के अंदर कुछ कीवर्ड है, अगर आपने अभी तक ये कीवर्ड सिलेक्ट नहीं किया है, तो आपका वीडियो आप एक साल किया है, दो साल किया है, आप 5 साल तक वीडियो अपलोड करते जाएंगे, लेकिन आपका चैनल ग्रो नहीं होता है और साथ ही साथ आपका वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों, यूट्यूब का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर 3 सेटिंग है, ये सेटिंग इस वीडियो पर मैं लाइव प्रोसेस दिखाया है, आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि यह सेटिंग आपने पहले से कर रखा है या अभी तक नहीं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने यह सेटिंग नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप एक एक वीडियो अपलोड कीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको पता चलता है कि आप पहला जैसा व्यूज़ आ रहा है, अभी थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर होता है। और दोस्तों, बाकी यूट्यूब के रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों, कैसे यह सेटिंग करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, इसके बाद दोस्तों सर्च बार में टाइप करना है youtube.com, सिंपली सर्च कर देना है। youtube.com लिख के सर्च करने के बाद दोस्तों, सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है YouTube, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, मस्ट ये 3 सेटिंग्स ये आपको करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ किया है, तो आपका चैनल पर कभी भी व्यूज नहीं आता है। आप जितना वीडियो अपलोड करोगे उतना ही आप कर सकते हो, लेकिन आपका वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो सेटिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए, यूट्यूब का जो लोगो है, सिंपली लोगो के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है यूट्यूब स्टूडियो। दोस्तों, ये काम आप मोबाइल से सेम प्रोसेस में कर सकते हैं, लेकिन क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिलता है। 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट ऑप्शन मिलता है, डेस्कटॉप साइट आपको ऑन करना पड़ता है, तो भी आप मोबाइल से जाके ये काम आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करना है। जैसे स्टूडियो पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद कुछ इस प्रकार पेज आपका सामने देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा टाइम लोडिंग लेता है। यहाँ पर देखिए,
तो यहाँ पर देखिए मेरे चैनल का जो डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार ओपन हुआ है, तो आपका भी चैनल का डैशबोर्ड इस प्रकार ओपन होता है। ये मेरा बिल्कुल नया चैनल है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पर देखिए यहाँ पर एक सेटिंग की आइकॉन है, तो सिंपली सेटिंग की आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों सेटिंग की आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अपलोड और यहाँ पर देखिए चैनल, चैनल की ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कीवर्ड, तो ये जो कीवर्ड है ये कीवर्ड सबसे फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों अभी तक आपने ये कीवर्ड यानी कि ये टैग यहाँ पर सेट नहीं किया है तो आपका चैनल तो सर्च में भी नहीं आता है और आपका चैनल रैंक करना दूर की बात होता है। तो दोस्तों ये सबसे पहले ये कीवर्ड जो है यहाँ पर आपको सेट करना होता है, उसके बाद आपका चैनल सर्च रिजल्ट में आता है और आपका चैनल ग्रो करना लगता है। तो दोस्तों ये कीवर्ड का मतलब क्या होता है? दोस्तों देखिए ये कीवर्ड की मतलब यह होता है कि आपका जो चैनल है चैनल सर्च रिजल्ट में जाएगा। और सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है एल्गोरिदम को इग्नाल ये कीवर्ड की थ्रू भेजा जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं इसी के हिसाब से यहाँ पर आपको कीवर्ड सेट करना होता है। और जब यहाँ पर इसी के हिसाब से कीवर्ड सेट करेंगे उसके बाद दोस्तों यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है यूट्यूब की एल्गोरिदम को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपके चैनल पर आप किस टाइप का वीडियो अपलोड करने वाला है। और इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब आपने यूट्यूब चैनल ओपन किया है उसके बाद दोस्तों एक ही नीश यानी कि एक टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करना चाहिए। दोस्तों आप मल्टीपल वीडियो अपलोड करोगे आपका चैनल के ऊपर तो दोस्तों आपका चैनल कभी भी मतलब रैंक नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए कीवर्ड जो ऑप्शन है इस कीवर्ड की अंतर्गत पूरा चैनल चलता है। तो दोस्तों अगर आप जो टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करना चाहोगे इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर कीवर्ड फिट करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड कैसे फिट करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर चार बार या तीन बार आपका चैनल का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए टैग, यहाँ पर देखिए यूट्यूब चैनल ग्रो टैग्स हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो अपलोड करना चाहोगी उसी के हिसाब से यहाँ पर टैग फिट करना है। मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ कि मैं अगर यूट्यूब के रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर यूट्यूब के रिलेटेड मैंने टैग सेट किया है। जैसे कि यूट्यूब क्रिएटर ट्रिक्स, न्यू क्रिएटर चैनल ग्रो ट्रिक्स, न्यू यूट्यूब चैनल ग्रो, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप कुकिंग रिलेटेड वीडियो आपके चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं तो आप कुकिंग रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड आप सेट कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप सेट करना है। और सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर देखिए सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेव ऑप्शन मतलब ग्रीन होता है, तो सेव ऑप्शन पर क्लिक करके आप सेव कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एडवांस, तो एडवांस पर दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको करना है कि आपका जो सब्सक्राइबर है वो हाइड करना है। तो सब्सक्राइबर हाइड करने के लिए दोस्तों मैंने तो ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर काउंट, तो इस बॉक्स पर चेक मार्क जो है हटा देना है। और इसके बाद यहाँ पर सेव करना है, तो मैं क्लोज कर लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं दोबारा सेटिंग पर क्लिक करना है। और भी मस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग जो है मेन जो सेटिंग है ये अभी भी बाकी है। तो इसके बाद दोस्तों सिंपली अपलोड डिफॉल्ट यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चीज़ है यहाँ से आप सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फो और एडवांस सेटिंग, तो एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस कैटेगरी में वीडियो बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों ये यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है एल्गोरिदम को सिग्नल देगा ये जो यहाँ पर जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों ये यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलता है कि आप किस टाइप की वीडियो अपलोड करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं यूट्यूब के रिलेटेड इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया है। दोस्तों अगर आप यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो अपलोड करना चाहते हैं और आपने एक चैनल ओपन किया है और उसके बाद दोस्तों आपने कैटेगरी यहाँ पर गेमिंग सिलेक्ट कर लिया है, तो दोस्तों यूट्यूब को पता चलता है कि आप गेमिंग आप वीडियो अपलोड करने वाला है। इसलिए गेमिंग का जो ऑडियंस होता है गेमिंग की ऑडियंस के सामने आपका वीडियो लेके जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो आपने अपलोड कर रहा है और गेमिंग की जो ऑडियंस है ऑडियंस के सामने अगर आपकी वीडियो जाएगी तो गेमिंग की जो ऑडियंस है या आपकी वीडियो देखेंगे कभी बिल्कुल नहीं देखेंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी जो है सिलेक्ट करना मस्ट इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों यहाँ पर जॉब जिस कैटेगरी में आप आते हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना है। आपका किस टाइप का चैनल है मुझे तो नहीं मालूम है, और यहाँ पर मैंने बता दिया है कि मैंने YouTube रिलेटेड वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया है। दोस्तों अगर आप टेक रिलेटेड वीडियो अपलोड करने वाला है तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग या और कुछ मतलब गेमिंग के रिलेटेड वीडियो चैनल ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पॉट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर ब्लॉग चैनल आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर पीपल एंड ब्लॉग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों म्यूजिक रिलेटेड यहाँ पर म्यूजिक दिया गया है, कॉमेडी, एजुकेशन और यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन दिया गया है। तो आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं इसी के हिसाब से ये जो कैटेगरी है सिलेक्ट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने तो आपको कह दिया है। इसके बाद दोस्तों सिंपली सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है जो सेटिंग है, और यहाँ पर दोस्तों और एक चीज़ यहाँ पर देखना है, लाइसेंस जो है यहाँ पर क्रिएटिव एंड कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंस आप सेलेक्ट करना है, और बाकी जो है यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो बाकी जो सेटिंग्स है इस सेटिंग्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है, उस चैनल में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों आगे की इस तरह वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेगी।